हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वेलकम है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम तैयार होकर जा रहे हैं बच्चों के न्यू स्कूल। हम बच्चों का स्कूल चेंज कर रहे हैं। वैसे जो पहले स्कूल था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अपने हिसाब से सब कुछ ठीक था। बस वही है, हर पेरेंट्स को ये होता है कि अपने बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में हो, सब कुछ बेहतर हो उनके लिए। तो बस इसी वजह से स्कूल चेंज कर रहे हैं। वैसे दिक्कत कुछ नहीं थी। तो अभी ये तो बच्चे बाहर गए थे, अभी ये आए थे, तो अभी जा रहे हैं टी सी लेने। स्कूल जाना है टी सी लेने के लिए, तो हम भी चलेंगे साथ में या आप ले आओगे? चलो चलो साथ से। पहले ले आओ ना, हम बाद में चलेंगे। नहीं नहीं, एक साथ उधर से चलते हैं। उधर ही से पड़ेगा। चलो, तो बच्चे सब तैयार है, हम जा रहे हैं। पहले पुराने वाले स्कूल में जाएंगे इनके टीसी लेने, उसके बाद न्यू स्कूल में। तो आपसे वहीं मिलते हैं स्कूल में। फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे इनके ओल्ड स्कूल में, तो टीसी लेकर आएंगे वहां से, उसके बाद जाएंगे न्यू स्कूल में। तो आज आप लोगों को दोनों स्कूल दिखाएंगे, आप भी बताना कैसा स्कूल है इनका। तो ये देखिए, ये ओल्ड स्कूल है इनका। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, धूप बहुत तेज हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। सही है, मजे आ रहे हैं? ये देखिए फ्रेंड्स, ये था इनका स्कूल। अभी हम टीसी लेने आए हैं बच्चों का। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बेटा धूप है उधर, हर्ष धूप है, यहीं खेल लो छांव में। नहीं धूप में नहीं, आओ इधर। फ्रेंड्स, हमें 2 साल हो गए यहाँ नोएडा में आए हुए। पहले हम आए थे तभी बच्चों का एडमिशन हुआ था यहाँ पर। हमें तब नहीं पता था कौन सा स्कूल कैसा है, कैसा क्या है। तब जब किसी ने बताया था यहाँ पर, तो यहाँ करवा दिया था। अब ये है, थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, पता चल गया है कि कौन सा स्कूल कैसा है। तो थोड़ा सा देख रहे हैं अभी न्यू स्कूल। तो आप लोग भी बताना कैसा लगेगा इनका न्यू स्कूल। मैं दोनों स्कूल दिखाऊंगी आप लोगों को भी, क्योंकि आप भी हमारी YT फैमिली हो और आपके साथ भी मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी बताना ज़रूर कमेंट में। तो इनके दोनों स्कूल दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये इनका है न्यू स्कूल जो अभी देख रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को तो बहुत पसंद आया ये। और 2 साल से तो स्कूल बंद भी थे कोविड की वजह से, तो इसी वजह से स्कूल चेंज नहीं कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, स्कूल की एंट्री तो बहुत बढ़िया है और देखते ही बच्चों के मुंह से वाव निकला है। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए यहाँ आकर। ये इनका न्यू स्कूल, और ये सामने एक और स्कूल है, आमने सामने दोनों स्कूल है ये। तो बच्चे तो खुश हो गए यहाँ आकर, अब देखते हैं बात करके। हर जल्दी आओ रिया, बाद में खेलना, डेली आओगे अब यहाँ? नहीं, अभी डेली आओगे ना तुम यहाँ? अब और भी दिखाते हैं तुम्हें स्कूल, अंदर भी दिखाएंगे ना, अंदर से कैसा है। अच्छा लगा हर्ष? बताओ बताओ, पुराने वाला स्कूल अच्छा था ये? ये तो यहाँ एडमिशन कराना है? यहाँ पे अच्छे अच्छे झूले, वहाँ पे इतने अच्छे झूले ही नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे तो बहुत खुश हो गए यहाँ आकर, बहुत एक्साइटेड है। तो ठीक है, अब पक्का ही हो गया, अब इनका एडमिशन यहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रिसेप्शन पर यहाँ पर कुछ इन्होंने बच्चों की आर्ट एक्टिविटी लगा रखी थी, तो मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बना लिया, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों की भी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हमारे बच्चे पूछ रहे थे मम्मी ये किसकी फ़ोटो है, तो मैं इनको बता रही थी ये कौन कौन है। तो ये देखिए,
तो मैं बच्चों को यहाँ पर बता रही थी कि ये महाराणा प्रताप जी है और लाला लाजपत राय जी है और सुभाष चंद्र बोस जी, रानी लक्ष्मीबाई, तो सभी के नाम इन पर लिखे हुए भी है और ये क्लासरूम बने हुए हैं, तो ये देख लीजिए आप भी। मैं आपको दिखा देती हूँ स्कूल का थोड़ा सा व्यू। और ये देखिए, ये यहाँ पर टॉपर है, दो क्लास के बच्चों के पांच पांच स्टूडेंट के नाम और फोटो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये लगा रखे है। ये टॉप आए है स्कूल में, इंटर क्लास के और टेंथ क्लास के बच्चे है। ये एक ही क्लास के है या और के भी? अच्छा, अलग अलग क्लास के है। ये टेंथ के दो क्लासों के बच्चे रखे। अच्छा, टॉप आए क्लास में, यहाँ की क्लास में। तो ये देखे यहाँ का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। अभी तो गर्मी हो रही है, सर्दियों में ये खुला खुला यहाँ पर धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अदर फैसिलिटी का भी बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। तो देखने में स्कूल अच्छा है और बड़ा भी है काफ़ी। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको यहाँ की, ये टॉयलेट वगैरह है। और आगे चलकर दिखाती हूँ मैं आपको, क्लासरूम बने हुए हैं। ये मैंने ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाया है, बस बाहर बाहर से थोड़ा सा बनाया है। तो ये देखिए, ये आगे चलकर क्लासरूम बने हुए हैं। और ये देखिए, तो स्कूल तो ये है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये देखिए बाहर का व्यू। स्कूल तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा भी है स्कूल। तो हमने बच्चों का एडमिशन करा दिया है, अभी हम जाएंगे बच्चों की ड्रेस और किताबें लेने। तो अभी बच्चे थोड़ी देर खेलने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं। अभी धूप भी बहुत तेज हो रही है, गर्मी हो रही है, तो थोड़ी देर ये खेलेंगे, उसके बाद जाएंगे इनकी बुक्स और ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो गए इन झूले वगैरह को देखकर, क्योंकि इनको तो बस ये झूले, स्लाइडर सब यही दिख रहा था, बाकी इनको कुछ नहीं। बहुत खुश हो रहे थे कि बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ का स्कूल तो बहुत अच्छा है, हम तो यहीं एडमिशन कराएंगे। तो बच्चों को भी पसंद आया और स्कूल अच्छा भी है, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। तो एडमिशन हो गया है बच्चों का यहाँ पर। आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी तेज़ धूप है, और आज क्या डेली होती है गर्मी। तो ये है कि हम थोड़ा सा घर में रहते हैं, घर पर रहते हैं तो गर्मी का इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकलने पर पता चलता है। भूख तो लगे या ना लगे, लेकिन प्यास लग रही थी बार बार, गला सूख रहा था और पेट तो भरा भरा लगता है पानी में, और मुँह गला सूखा रहता है। तो बहुत गर्मी हो रही है, और जो डेली आते हैं उनको तो थोड़ी सी आदत बनी रहती है। मैं तो बहुत दिनों में बाहर निकली हूँ, तो बहुत गर्मी हो रही है आज, बुरा हाल हो रहा है गर्मी में। अब इसके अंदर जाऊंगा, वापस से आऊंगा। अरे वाह, अच्छा है ना। अच्छा। भाई मेरे लिए बड़ा बुरा हो सकता है, कपड़े गंदे हो जाएंगे इसमें। बस आओ बेटा आओ। तो बच्चे तो बस यहाँ पर खेलने में लगे हुए थे, और हमें लेनी है इनकी बुक्स और ड्रेसेस वगैरह। तो फिर चलते हैं घर, और मैं बच्चों को बोल रही थी चलो चलो, लेकिन ये चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था बहुत यहाँ पर खेलकर। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर बच्चे खेलेंगे, उसके बाद चलते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर चल रही है बच्चों की मस्ती, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। ये देखिए, बच्चों को तो बस मस्ती करने को चाहिए। आ जाओ बेटा आ जाओ, चल घर चल रहे अब। ये देखिए, ठीक इसी के सामने एक और स्कूल बना हुआ है, तो ये आमने सामने दो स्कूल है ये देखिए। और हमने एडमिशन कराया है इस स्कूल में बच्चों का, तो ये दोनों स्कूल आमने सामने हैं। और अभी हम जा रहे हैं बच्चों की बुक्स लेने, पास में ही पड़ती है एक दुकान यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, और बहुत तेज़ धूप है। और ये देखिए यहाँ से ट्रेन आएगी।
देखिए यहाँ पर गर्मी इतनी हो रही थी, ये यहाँ पर नल लगा हुआ है तो सभी यहाँ पानी पियेंगे। और ये देखिए शिव जी की तस्वीर भी बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। ओम नमः शिवाय। और ये आ गए हम दुकान पर, ये बिल्कुल पास में है, स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही पड़ती है। तो यहाँ पर ड्रेस वगैरह और बुक्स यहीं पर एक ही जगह मिल जाती है दोनों स्कूल की। और ये देखिए यहाँ पर POP बहुत सुंदर लग रही थी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। तो यहाँ पर दोनों स्कूल की ड्रेस और बुक्स दोनों स्कूल की मिल रही थी। और ये देखिए मैं ड्रेस लगा कर देख रही थी बच्चों को सही आएगी या नहीं। ये रिया की ड्रेस है, तो यहाँ पर दो ड्रेस ली है हमने, दो दो तीनों बच्चों की। तो ये दो दिन एक पहनेंगे, मंडे और ट्यूजडे एक ड्रेस होगी इनकी, फिर वेडनेसडे में दूसरी, और फिर थर्सडे और फ्राइडे में एक होगी, और सैटरडे में होगी जो वेडनेसडे में पहनी थी वही। तो दो दो दिन एक और तीसरे दिन दूसरी। सही है बेटा, तो धोने का भी टाइम मिल जाता है ऐसे में, एक ड्रेस को दो दिन का टाइम मिल जाएगा धोने का और एक दूसरी को एक दिन का बस। तो हमने बस अभी तो एक एक ही जोड़ी ली है, बोल रहे थे ये कि दो ले लेने अगर ज़रूरत हो तो। तो मैंने कहा अभी तो गर्मी है, धोने में सुखाने में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में फुल बाजू भी ले लेंगे, अभी हाफ बाजू भी ली है। तो बस इनकी दो दो जोड़ी ड्रेस की हो गई है और सॉक्स ली है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें, 4-5 घंटे लग गए हैं हमें, तो गर्मी भी बहुत हो रही है। ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का, और हम आ गए थे तो गर्मी लग रही थी बहुत, तो बच्चे बोलने लगे कि गन्ने का जूस पियेंगे। तो गर्मियों में तो यही अच्छा लगता है बस, खाने का इतनी मन नहीं करता, पीने का प्यास ज़्यादा लगती है। तो बच्चों ने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया और कुछ बनाना ले लिए थे, घर पर जाके बनाना शेक बना लेंगे। बच्चों को तो बस न्यू किताबें ड्रेस और झूले वगैरह दिखाई दे रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, ऐसा लगता है बस आज ही पढ़ देंगे सारी किताबें। ये देखिए ये बेटे बाद में देखियो, अब अपने बैग लो और उसमें रखो अपनी बुक, ऐसे मत करो ठीक है। देखो देखो चीको तो 11 बजे गए थे, अब 4:15 हो गए हैं, 4 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया। अब आए मेरी बुक्स देखो, सोरल साइंस के फोर्थ क्लास में हमारे ज्ञान ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल में भाई, मेरा देख लो। हर्ष क्या नाम है बेटे स्कूल का? ये मेरी ड्राइंग की बुक है, ड्राइंग बुक फ्री में। अरे पलट पलट के बाद में देखियो, पढ़नी भी यही है ठीक है, पढ़ाई करनी है अब। हाँ पहले हम देख ले, मजा आ रहा है इसमें। अब बैग पैक करो अपने अपने, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं किताब देख कर। देखो देखो तो कितनी बड़ा चैप्टर है ये तो। ठीक है हमारी बुक से भी हाय, छोटे सारे छोटे चैप्टर हैं दोस्तों। ये इस स्कूल का नाम अच्छा तो है, झूले भी बहुत अच्छे हैं। इसको सीधे बताओ रोलिंग रोल है, और बताओ उसमें चढ़ने का भी, चढ़ कर जा सकते हैं, सीधा भी है, उसमें ना स्लाइड है, वो स्लाइडिंग है, बहुत अच्छा स्कूल है। उस पसंद आया? आगे कितने बड़े बुक मिल रही इसमें? एक बार जो स्कूल मिलेगा उसमें नाम पढ़ के देखना, अगर अलग होगा इसका नाम है ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल। हाँ ये, और देखो तो इसमें कितने ग्रीन मिले येलो। हे दोस्तों ये देखिएगा, आज आप मेरे पूरी बुक के पन्ने देखिएगा। ये क्या है? बॉडी पार्ट नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, और ये देखो ये वेजिटेबल्स नेम, स्कूल की कॉपी बच्ची है, फ्रूट्स नेम, ये भारत चीजें नेम, बिल्कुल गंदी, और ये अच्छे जंक फूड है क्या? हाँ जंक फूड, जंक फूड है, हेल्दी फूड, इसमें हेल्दी फूड भी है, जंक मम्मी है।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।